Assalamu alaikum, मैं हूं राबिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. आज की वीडियो इज अबाउट हाउ टू टाइटन ड्रूपी सैगी आईलेट्स. हमारे ये जो अपर आईलेट का बॉर्डर होता है ना, जब ये नीचे की तरफ गिर जाता है तो हमारी आंखें जो हैं वो ड्रूपी हो जाती है, हमारी आईलेट ड्रूपी हो जाती है, सैगी हो जाती है, हुडेड हो जाती है. ठीक है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं और एक वजह इसकी एजिंग भी है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के साथ साथ हमारी आईलेट जो है वो ड्रूपी होना स्टार्ट हो जाते हैं. और इसको किस तरह से टाइटन अप करना है, रिंकल फ्री बनाना है, इसके लिए आज मैं आप लोगों से टॉप 10 एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी और साथ में एक नेचुरल आई मास्क बनाना सिखाऊंगी. अच्छा जी, एक बात बिल्कुल सच है कि आप इन एक्सरसाइजेस को डेली करोगे तब भी आपको दिनों में आपके मतलूबा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ना ही हफ्तों में मिलेंगे, बल्कि आपको 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा. लेकिन 5 से 6 महीनों के बाद आपको आपके बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. आपकी ये जो ड्रूपी आईलेड है, सैगी आईलेड है, ये बिल्कुल टाइटन अप हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी. ठीक है जी. और अगर आप साथ में डेली बेसिस पर इस आई मास्क को भी यूज़ करोगे ना, तो आपके 20 हफ्तों का अगर टाइम है तो 20 हफ्तों का टाइम आपका 12 हफ्तों में कन्वर्ट हो सकता है. तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी करना.
बहुत ही इजी टॉप 10 एक्सरसाइजेस थी। और अब हम बनाएंगे नेचुरल आई मास्क। और आई मास्क बनाने के लिए आपने लेना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब एग वाइट यानी कि अंडे की सफ़ेदी, और इसके अंदर आप ऐड करोगे 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच के करीब क्यूकेम्बर जूस यानी कि खीरे का रस ऐड करोगे। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिक्स करो और आपका एक नेचुरल आई मास्क तैयार हो चुका है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी आंखों की स्किन के लिए, आंखों की स्किन को टाइटन अप करने के लिए बे इंतहा परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं, ठीक है जी। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इसको अपनी बंद आंखों के ऊपर अप्लाई करना है। 1 कोट 2 कोट 3 कोट करने के बाद आपने अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखना है। बंद आंखों के ऊपर ही आप इसको अप्लाई करते जाओगे, और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने का इंतज़ार करना है। आप इसको अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आपके फेस की स्किन भी इसे टाइटन अप होगी, ठीक है जी। आपने इसको अप्लाई करना है, इसको ड्राई होने देना है। तकरीबन 15 मिनट तक आप वेट करोगे और बंद आंखों के साथ ही आप इसको वॉश आउट करोगे, ठीक है। आपने इस दौरान में अपनी आंखें नहीं खोलनी और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है जी। सो गाइज, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।